यूपी पुलिस भर्ती मामले में पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश पर पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक जांच समिति बनाई है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की खबरों को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है। हालांकि बोर्ड ने इससे पहले पेपर लीक की खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन अब योगी सरकार के आदेश के बाद इसकी जांच करवाई जा रही है ताकि सच सामने आ सके। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में योगी सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस बोर्ड ने पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए समिति बना दी है, जिसकी अध्यक्षता एडीजी अशोक कुमार सिंह करेंगे। उनकी अध्यक्षता में इस मामले की जांच की जाएगी। समिति पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने, सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों की जगह एग्जाम देने वालों और एग्जाम के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है और दो दिनों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से 120 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद बलिया जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में नकल गिरोह के 11 सदस्यों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक सुल्तानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन है, जबकि एक मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वन विभाग में कांस्टेबल है। इसके अलावा पकड़े गए आरोपियों में से 3 आरोपी दूसरे अभ्यर्थियों की जगह पेपर दे रहे थे। फिरोजाबाद के एसपी रूलर रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हम लोगों ने लगभग 19-20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार से सॉल्वर के रूप में यहाँ पे लाए गए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी परीक्षा, जिनके परीक्षा ये लोग दे चुके थे और बाकी जो आज परीक्षा दे रहे थे, तो इन सभी लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इनके पोजिशन से हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है, फर्जी एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, बाकी कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। जो 2-4 लाख रुपया देकर के सॉल्वर्स बुलाए गए थे, उसमें से कुछ लोगों को पैसे दिए गए थे, वो पैसे बरामद हुए हैं। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन सिर्फ यूपी तक ही नहीं है, बल्कि यूपी के बाहर भी जारी है। गोंडा जिले के पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोंडा पुलिस अधीक्षक के मुताबिक स्थानीय पुलिस की मदद से नवाबगंज कस्बे में एक परीक्षा केंद्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी दूसरे की जगह पेपर दे रहा था। उनका सौदा 6 लाख रुपए में तय हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की जगह पेपर देने और धोखाधड़ी करने के आरोप में पिछले 2 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 120 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक पेपर के पहले दिन ही 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 96 लोगों को परीक्षा के दौरान दबोचा गया। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि पेपर लीक हो चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 18 फरवरी को लिखा था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों ने ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर पेपर लीक का भ्रम फैला रखा है। इस पोस्ट पर बोर्ड और यूपी पुलिस निगरानी के साथ ही इनके सोर्स की जांच कर रही है। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।